शुरू करते हैं आपका सीटेट के लिए इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी में आपके सिलेबस में सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है, सबसे पहला आपका जो टॉपिक आता है वो आता है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशंस। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशंस, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर लैंग्वेज ही क्या है। देखिए लैंग्वेज क्या है, आज अगर मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और जो आप पढ़ रहे हैं, ये अगर संभव है तो केवल लैंग्वेज के माध्यम से ही संभव है। अगर लैंग्वेज नहीं है तो कुछ नहीं, अगर लैंग्वेज है तो ये सभ्यता है, ये सिविलाइजेशन है, नहीं तो पशुओं ने क्यों ना अपना कोई सभ्यता डेवलप कर ली। हालांकि है तो उनकी भी कोई लैंग्वेज है, लेकिन ये जो विवेक है ना उसके आधार पर उसे वो मॉडिफाई नहीं कर पाए। विवेक इस परमपिता परमेश्वर ने किसे दिया है, ह्यूमन बीइंग को दिया है। उस विवेक के आधार पर ही इस मानव ने अपनी सभ्यता को डेवलप कर लिया है, अपनी सभ्यता का विकास किया है। देखते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि इट इज गॉड्स स्पेशल गिफ्ट, यह परमपिता परमेश्वर का एक विशेष उपहार है। किसके लिए, टू मैनकाइंड, मानवता के लिए। विदाउट लैंग्वेज, बिना भाषा के ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता एज वी नो इट, जैसे कि हम इसे जानते हैं, वुड हैव रिमेंड, रह जाती क्या, एन इम्पॉसिबिलिटी, एक असंभवता रह जाती, यानी कि कोई संभावना ही ना बन पाती। अगर भाषा ना होती तो मानव सभ्यता की कोई संभावना ही ना होती। लैंग्वेज इज यूबीक्यूटस, क्या है, लैंग्वेज इज ओमनी प्रेजेंट, यूबीक्यूटस मीन्स ओमनी प्रेजेंट। लैंग्वेज सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, सब जगह है, कहां कहां है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर थॉट्स, हमारे विचारों में भाषा है। सोचते हैं किस लिए, भाषा की अभिव्यक्ति के लिए, हमारे सपनों में भाषा है, ड्रीम्स में है, प्रेयर्स में है, मेडिटेशंस में है, रिलेशंस में है, कम्युनिकेशंस में है, एंड संस्कार्स में है, रिचुअल्स में है, अर्थात जहां भी है वो भाषा है। आज अगर हम जी रहे हैं तो भाषा के लिए जी रहे हैं, हर समय जो भी कुछ सोचना है भाषा के लिए सोचना है, उसने मुझे ये कह दिया, उसे मुझे ये कहना है, अच्छा लगना है, बुरा लगना है, सब कुछ क्या है, ये सब कुछ भाषा के माध्यम से ही है। विवेक आया, मानव को गॉड ने विवेक दिया, इसीलिए मानव ने इसका अध्ययन किया, क्योंकि भाषा ही वो चीज है जिसके द्वारा ये पूरा क्या ब्रह्मांड चल रहा है, पूरा संसार चल रहा है। अभिव्यक्तियों का माध्यम है भाषा, भाषा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा, क्या लिखा, लैंग्वेज इज दैट ह्यूमन एक्सप्रेशन, भाषा वो मानवीय अभिव्यक्ति है, which is uttered, जिसका उच्चारण किया जाता है, uttered out by speech organs के द्वारा, speech organs के द्वारा। बोलते तो पशु भी हैं, लेकिन उनके पास में केवल सांकेतिक है, उनके पास उनका केवल सांकेतिक है, अभिव्यक्ति नहीं। अभिव्यक्ति है तो वो केवल सांकेतिक है, भावनात्मक नहीं। देखिए वो विषय थोड़ा अलग हो जाता है। अब हम आते हैं आपकी भाषा, जब हम आपका सिलेबस देख रहे कल, तो सिलेबस देखते हुए उसमें आया लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, क्या आया, लैंग्वेज लैंग्वेज की दो बातें आई, एक आई लर्निंग और दूसरी आई एक्विजिशन।
लर्निंग एंड एक्विजिशन दोनों बातें कुछ अलग अलग हैं। लर्न और एक्वायर। आपके सिलेबस में आपने देखा होगा, जैसे आपने पहले पेपर दिए हैं, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। ये लैंग्वेज वन कौन सी होती है? लैंग्वेज वन वो होती है जो हमारी अपनी होती है। और हमारी अपनी कौन सी होती है? जिसे हम स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। और स्वाभाविक रूप से सीखने को क्या कहते हैं? एक्वायर करना। इस एक्विजिशन में क्या किया जाता है? एक्वायर किया जाता है। और एक्वायर कैसे होता है? नेचुरल होता है, नेचुरल होता है। नेचुरल कैसे होता है? लिसनिंग से होता है, है? लर्निंग में एफर्ट होता है। लर्निंग में क्या होता है? एफर्ट होता है। लर्निंग में गाइडेंस की जरूरत होती है। लर्निंग में गाइडेंस की जरूरत होती है। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपने कौन सी भाषा एक्वायर की? हिंदी। आपने कौन सी भाषा एक्वायर की? हिंदी। आप अब सीख क्या रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश आपकी कौन सी भाषा हुई? लर्निंग। समझ आया? लेकिन एक यहां अंतर आ जाता है, एक बेसिक बात। जिस भाषा को आप स्वयं सीख लेते हैं अपने माहौल से, अपने एटमॉस्फेयर से, उसे आप एक्वायर करते हैं। जिसमें आप पर प्रेशर होता है, सीखने का भी सिखाने वाले का भी, उसे आप लर्न करते हैं। क्लियर? आपको माँ कहना, मामा कहना स्वाभाविक रूप से सीख गए, लेकिन मदर कहना आप स्वाभाविक रूप से नहीं सीखे, आपको सिखाया गया है। जो चीज आपको सिखाई गई है वो लर्निंग के अंतर्गत आता है। जिसे आप स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं, आपके पहली बार ही अगर मुंह में से आवाज निकली तो मां निकली, यानी कि वो क्या हुआ? वो एक्वायर कर लिया आपने। हैं? छोटा भाई पापा कह रहा है, आप भी पापा कहने लगे। बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं, है ना? और दूसरे को देखा, भाई कहता हुआ, हैं? जो भी कुछ कहते हुए, ताऊ, भाई, दीदी, हैं? ये सब कुछ आप सब एक्वायर करते। अब लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन इधर का तो मैं मिटा दूं, सभी कुछ उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, लैंग्वेज जो सीखी जाती है उसके अंदर चार बातें आती हैं। लैंग्वेज स्किल किन माध्यम से आता है? कौन कौन से माध्यम है लैंग्वेज? चार। हाँ, सुनिए, लैंग्वेज स्किल्स, सबसे पहले लिसनिंग।
रीडिंग लिसनिंग के बाद क्या रीडिंग ना स्पीच ठीक इसके बाद रीडिंग और इसके बाद राइट थोड़ा चर्चा बाद में करेंगे पहले लैंग्वेज की चीफ फीचर मैं आपको बताऊं आपकी L1 और L2 देखिए L1 और L2 L1 में कौन सी आएगी जिसे आप एक्वायर करें जिसे आप एक्वायर करें L2 में कौन सी आएगी जिसे आप लर्न करें क्लियर जिसे आप लर्न करेंगे उसके रूल्स होंगे ठीक है जिसके रूल्स होंगे उसके अंदर सिंटैक्सिकल फॉर्म होगा उसका पहले सब्जेक्ट आएगा पहले फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा क्लियर इसके अंदर नो पर्टिकुलर रूल्स नो पर्टिकुलर रूल्स देखिए आपकी हिंदी कौन सी है आपकी हिंदी एक लैंग्वेज है एक्वायर की जाती जो लैंग्वेज में आती है उसके अंदर एक स्क्रिप्ट सिस्टम होता है एक स्टाइल होती है एक शैली होती है लेकिन इसकी नो स्क्रिप्ट नो स्क्रिप्ट कोई स्क्रिप्ट नहीं होती यानी कि नो स्टाइल इसकी कोई स्टाइल नहीं होती सीधा अच्छा नहीं हाँ ठीक समझ आप जो बोलते हैं यहाँ हिंदी वो नागरीय लिपि बोलते हैं उसका एक सिस्टम है लेकिन दूसरी तरफ आप चले जाइए हरियाणा में जो हरियाणवी भाषा बोली जाती है आप कह रहे हैं राम स्कूल जाता है राम स्कूल जाता है राम स्कूल जाता है वो लोग क्या बोलते हैं और एक आपके माहौल में भी बोलते हैं क्या राम स्कूल जावे जावे राम स्कूल जावे हैं राम स्कूल गए हो कहां जा रहो का कर रहो ये क्या होती है ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेज होती है ये नेटिव लैंग्वेजेज होती है इन्हें एक्वायर किया जाता है क्लियर इनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती या कहीं लिखा जाता जाओ गयो समझ आ गया उन्हें एक्वायर किया गया है माहौल से एटमॉस्फेयर से आपको पता चल जाना चाहिए यहां अंदर लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के अंदर लर्निंग वाली आपकी किसमें आएगी L2 में आएगी एक्विजिशन वाली L1 में आएगी जो आपके एटमॉस्फेयर से ग्रहण की जाती है
वो एक्विजिशन के अंतर्गत आती है, वो एक्वायर की जाती है, जो आपको सिखाई जाती है। हिंदी की ग्रामर आपको सिखाई जाती है, वो आपकी L2 में आएगी। इंग्लिश आपकी L2 में आएगी, समझ आया। और जो आपके माहौल में इधर उधर से आप प्राप्त करते हैं, नेचुरली आप ग्रहण कर लेते हैं, वो एक्विजिशन में आती है, वो एक्वायर की जाती है। क्लियर। भाषा के कौशल, भाषा कौशल, हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी लगभग समान होती है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। अब उसके स्किल कौन से होते हैं? सबसे पहला लिसनिंग होता है। भाषा कैसे सीखी जाती है? सुन करके सीखी जाती है, सुनने के बाद बोली जाती है। क्लियर। उसके बाद रीडिंग आती है, उसके बाद राइटिंग। क्लियर। इनमें दो एक्टिव है, दो पैसिव है, दो एक्टिव है, दो पैसिव। कौन कौन से एक्टिव है, कौन कौन से पैसिव है, बताइए। लिसनिंग पैसिव है, अपने आप कान में पड़ जाएगा। क्लियर। स्पीकिंग एक्टिव है, ठीक। रीडिंग और राइटिंग, रीडिंग कैसा है? दोनों सर। है? दोनों सर बताइए। नहीं पैसिव होगा, दोनों सेकंड एक्टिव पैसिव बताइए। पैसिव होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए या एक्टिव होना चाहिए? बताइए। खुद लिखेगा, खुद ही लिखेगा। राइटिंग 100% एक्टिव है। रीडिंग पैसिव। रीडिंग में पैसिव है। रीडिंग अगर आपको पढ़ना आता है और आंखों के सामने कुछ आ जाता है तो पढ़ लो, सामने आपके सामने, आंखों के सामने मेरठ लिखा हुआ तो आप पढ़ ही लोगे, उसमें एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। एक तरह से पैसिव है। दूसरी बात आती है जब हम गहराई से पढ़ते हैं, वो रीडिंग नहीं होता, वो स्टडी में आ जाता, वो स्टडी में आता, वो रीडिंग में नहीं आता। रीडिंग जो चीज आंखों के सामने आती है वो सतह पर हम पढ़ लेते हैं। अगर मेरे को पढ़ना आता है, सामने मेरठ लिखा है, हापुड़ लिखा, तो मैं पढ़ ही लूंगा, आ गया समझ। तो ये नेचुरल रूप से हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें लिसनिंग और रीडिंग और स्पीकिंग और राइटिंग क्या होते हैं? ये लेने वाले होते हैं और ये देने वाले होते हैं, ये प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ये गेनिंग होते हैं, कैसे होते हैं? गेनिंग। और ये कैसे होते हैं? प्रोडक्टिव। ठीक। चार स्किल, लिसनिंग,